नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती काफी एक्टिव मोड में हैं। पहले उन्होंने चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की मांग रखी। इसके बाद उन्होंने मेयर पद के लिए अतीक अहमद के परिवार को टिकट देने के सवाल पर बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कहा बसपा प्रमुख मायावती ने, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। के बाद अटकलें चल रही थी कि बीएसपी अतीक अहमद के परिवार को प्रयागराज से मेयर का टिकट दे सकती है, लेकिन इन अटकलों पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी अतीक अहमद की पत्नी या उनके परिवार के किसी सदस्य को भी टिकट नहीं देगी। वहीं उन्होंने चुनाव पर कहा कि बीएसपी चुनाव का स्वागत करती है, लेकिन बीजेपी ईवीएम से चुनाव नहीं कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उमेश पाल अपहरण केस में बरी हुए अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद की पत्नी जैनब को प्रयागराज से बीएसपी मेयर का चुनाव लड़ाना चाहती है। जैनब परिवार की एकमात्र ऐसी सदस्य है जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन बाद में देवरानी जैनब को चुनाव लड़ाने का ऑफर बीएसपी की ओर से मिलने की चर्चा तेज हो गई थी। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में परिवार के ज्यादातर लोगों का नाम सामने आया है। इसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर साजिश रचने का आरोप लगा है। इसके बाद उनकी तलाश यूपी पुलिस हत्याकांड के बाद से कर रही है। इस वजह से शाइस्ता की जगह जैनब को टिकट को ऑफर किए जाने की चर्चा चल रही थी। हालांकि मायावती ने अतीक के परिवार को टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। बसपा की तरफ से अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब को टिकट मिलने की अटकलें तेज थी, जिससे सियासी गलियारों में हलचलें काफी बढ़ गई थी, लेकिन मायावती ने इस पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या को लेकर जो सबूत सामने आए हैं और इस घटना में अतीक की पत्नी का नाम आते ही और उसके फरार होने पर हालात बदल गए हैं, ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ना अतीक की पत्नी और ना ही उनके परिवार के किसी भी अन्य सदस्यों को वहां के मेयर का टिकट देगी। वहीं मायावती ने चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की मांग रखी है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे यानी कि सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।